नमस्कार पलाक और छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और कैसा आप लोग, उम्मीद कर लू की सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं मैं हूँ पूनम मिश नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। और आजकल मैं आई हूँ अपने मायके, मायका है मेरा हल्द्वानी। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। और आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने मंदिर से कर रही हूँ, नए वाले मंदिर से। मतलब मैं छत में आई हूँ, हमारा जो नया मंदिर है ना वो छत में ही है। ये तो नीचे का रास्ता है, यहाँ से हम छत में आते हैं और बगल में ही हमारा मंदिर है। तो मंदिर ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा ही है बस। अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे। हो और आज इतनी चटक वाली धूप आ रही है ना, मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसी धूप आ रही है। तो हम लोगों ने सारे बिस्तर, सारा नहीं कुछ कुछ बिस्तर छत में डाल रखा है, दन हो गया बिस्तर ये सब डाल रखे। इतनी तेज धूप आ रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा था कि व्लॉग की स्टार्टिंग में छत से कर लूँगी, लेकिन इतनी धूप हो रही थी कि छत में खड़ा ही नहीं होया गया। तो इस वजह से मैं मंदिर में आ गई वीडियो शूट करने के लिए बस। और वहाँ पे हमने तुलसी के पेड़ के लिए बना रखा है, पापा जहाँ पे पानी दे रहे हैं ना वहाँ पे तुलसी के पेड़ के लिए जगह बना रखे हैं। तो पापा तो दे रहे हैं यहाँ पे तुलसी, क्या बोलते हैं तुलसी का स्टैंड बोलेंगे ना, तुलसी का जो होता है ना पौध लगाने के लिए बना रखा, बहुत ही अच्छा बना रखा है। जैसे नीचे बनाया था ना सेम वैसे बना रखा। अभी टाइल लग जाएंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। बाकी हमारे घर के सामने भी काम चल रहा है, पता है जेसीबी से कल रातों रात ही सारी मिट्टी का भरान हो गया है। ये देखो तो सब जगह काम चल रहा है, वहाँ पर मकान बन रहा है, ये मकान बन रहा है, वो काम चल रहा है। अभी हमारे घर में काम चल रहा है, आजकल चल ही रहा है सब जगह काम। बहुत तेज़ धूप आ रही है, कहीं से तेज़ बारिश ना आ जाए जितनी तेज़ धूप आ रही है। तो इसीलिए हमने जो गद्दे दन और एक दन यहाँ पर बिछा रखा है सब धूप में सूखने के लिए। हल्दी भी डाल रखी है मम्मी ने, वो देखो वहाँ पर साइड में हल्दी भी डाल रखी है। तो चलो फिर अब चलते हैं नीचे को, क्योंकि ऊपर बहुत ही तेज वाली धूप लगी है, बहुत तेज। तो चलो फिर अब बनाती हूँ शुभी के लिए दलिया। मैंने ले लिया कढ़ाई, एक पूरा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी। और थोड़ा सा ले रही हूँ ये वाली दाल, कौन सी दाल बोलते हैं, मूंग की दाल बोलते हैं ना मम्मी, हाँ हरी वाली, इतनी मूंग की दाल लूंगी, ज्यादा नहीं इतनी सी दिख रहा है, इतनी मूंग की दाल। और थोड़ा सा अरहर की दाल, ये पीली वाली दाल, अरहर की होती है ना मम्मी ये, हाँ देखो इतनी सी लूंगी अरहर की दाल। चलो नहीं ये अरहर है, इसी को तो देती हूँ रोज। ये देखो ये अरहर की दाल। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चावल, ज्यादा नहीं, जितना दाल डाले ना उतना ही चावल डालूंगी। कुछ गिर रहा है मैम, चावल का पानी गिर रहा है, इतना इतने से डालूंगी चावल बस। इतना बन गया, इसको धो दूंगी अच्छे से। चलो फिर इसको काट लेती हूँ, इसको धो लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो सब कुछ तैयार कर दिया है मैंने, थोड़ा सा प्याज काटा हुआ है, आधा प्याज काटा हुआ है, आधा बचा दिया क्योंकि आधे से ही हो जाता है। और तुरई को भी छिलके काट दिया मैंने, और चावल और दालों को धो करके भिगाने रख दिया है। तो चलो फिर अब बनाते हैं कुकर में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया है, कुकर में डालेंगे थोड़ा सा घी। ये देखो इतना सा घी दिख रहा है, इतना सा घी डाल लिया बस। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अभी लाइट नहीं है ना तो ये जलाया नहीं है, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे बस। और थोड़ा सा हींग, ये रही हींग। और अब डाल देंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज है बस। अच्छे से पक गया है। अब इसमें ये चावल हावल का सारा पानी मैंने गिरा दिया, चावल दाल का। यहाँ से ना वीडियो थोड़ा सा काली बनती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ये डाल देंगे सब्जी, तुरई मतलब। और अब इसमें डाल देंगे लगभग एक गिलास के बराबर पानी। बस पानी डाल दिया, अब डालेंगे मसाले। मसाले में थोड़ा सा इसमें डालेंगे पहले नमक, थोड़ा नमक,
थोड़ा सा ये जीरा और धनिया का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। बस थोड़ी सी हल्दी डाल दी। अब ढक्कन लगा करके 4-5 सीटी तक इसको पकने देंगे, फिर उसका कम करके फिर बंद कर देंगे। बस इतना सा है ये। तो इसका जो रबड़ है मैंने फ्रिज में रखा हुआ, भी लेके आती हूँ। तो ये रहा शुभी का दिन का खिचड़ी। दिन में शुभी इसको खा लेती है और रात को सेम इसी प्रोसेस से दलिया बना देती हूँ। दलिया में दलिया रहता है, चावल नहीं मिलाती हूँ। बस इतना सा है शुभी का खाना पीना। आप लोग बीच में पूछते रहते हो कि आप शुभी को क्या खिलाते हो क्या खिलाते हो, इसलिए मैं कभी कभी बीच बीच में आपको ये सब बता देती हूँ। तो चले फिर अभी और काम कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। तो शुभी उठ चुकी है। शुभ शुभी शुभी आओ शुभ शुभ चलो सबसे जय बोल दो, जय बोल दो, जय शुभ जय बोलो। नानू भी आ गए। हेलो, क्या उठ गए हो? खोखली 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 क्या नाम कहते हैं इसको, भी नहीं दांत भी नहीं है। शुभ के दांत भी नहीं आए अभी। शुभ जय बोलो, पहले जय बोलो। शुभ जय जय बोलो बाबू, जय जय बोलो। गुड, इतना बड़ा हो जाना। हाँ शुभ बाय बाय, शुभ बाय बोलो, बाय 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 बोलो, बाय बोलो बाबू, बाय बोलो, बाय बाय बोला था हमको, क्या बोले नानू बाय बोला था, क्या बोला था। जय 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 जय, इतना बड़ा हो जाना। हाँ कितना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा हो जाना। हाँ कौन है? शुभ है। कौन है वो? शुभी सब कुछ जय, शुभी जय, शुभी शुभी जय, गुड, ना बड़ा हो जाना। हाँ हाँ बाय। तो अभी बच गया है, दिन के 2:45 हो गया और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है। तो अभी तैयार होकर के मैं और पापा जा रहे हैं फिर से टाइल देखने के लिए। चले गए मम्मी? हाँ चलो। तो मम्मी सुबह का ख्याल रखना, ठीक है? चलो अब सुबह से छुप छुप के जाना पड़ेगा, सुबह से छुप छुप के जाना पड़ेगा। सुबह को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। बाय बेटू, बाय। आप नानी के साथ जाओ, किचन में जाओ, नानी बुला रही है आपको। जाओ 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 नानी के साथ किचन में जाओ। तो मम्मी ने शुभी को खेलने में बिजी कर रखा है, ठीक है अम्मा, बाय। चलो फिर एक बोतल पानी पकड़ लिया मैंने, अब चलते हैं क्योंकि दिन में खाना खाने के बाद जा रहे हैं ना, तो पानी की प्यास लग सकती है। यहाँ बहुत खतरनाक धूप लग रही है। चलो ये रहा मेरा हेलमेट, आज धूप आ रही थी हेलमेट भी सुखाने डाल रखे थे। पापा ये लो पानी, देखो इसका ढक्कन टाइट से लगा लो, ढक्कन देख लो एक बार। चलो फिर चलते हैं, आ जाओ। बहुत तेज वाली धूप लगी आज। नहीं नहीं ये ज्यादा हो गया। दो बात
किसने मैम? तो चलो फिर चलते हैं घर को, टाइल का आज काम पूरा हो गया है। अभी हम घर पहुँचते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है हमारे भी। तो शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग पहुँच गए घर, लेकिन अभी टाइल नहीं आए हैं। टाइल लोड करने में टाइम लग रहा है। ना ना अभी आएंगे हम। छुपू मम्मा थक गई है, मम्मा का सर दबा दो। छुपू मम्मा का सर दबा दो, मम्मा थक गई। मम्मा थक छुपू अच्छे दबाओगे मम्मा का सर? हाथ से दबाओ, हाथ से दबा दो। छुपू ऐसे प्यार करोगी? छुपू मम्मा थक गई, मम्मा का सर दबा दो, ऐसे दबाओगे? आपने क्या करा अभी तक घर पे? निन्नू करी? तो शाम का 6 बज गया है और मैं और शुभी ऊपर आ गए। शुभी आओ, शुभी जय बोल दो। जय। इतना बड़ा हो जाना मेरा बच्चा, कितना बड़ा हो जाना ये बता दो, कितना बड़ा हो जाना? पता नहीं कहाँ ध्यान है उसका। जाओ फिर दौड़ो जाओ। बस शुभी गई और मम्मी खेत में काम कर रही है। खेत में कुछ होता तो नहीं है, लेकिन मम्मी टाइम पास करते रहती है, ताकि मतलब कुछ हो ना हो खेत साफ रहना चाहिए। चलो मैं आपको बैक कैमरे से मम्मी को भी दिखाती हूँ। मम्मी हेलो, हेलो, हाय, बाय। क्या लगा रहे हो? मक्का लगा रही है मम्मी। मच्छर काट रहे हैं। शुभी इधर आओ, इधर आओ। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कल शुभी जब छत में घूम रही थी तो उसके जूते बार बार उतर जा रहे थे, तो पापा ने आज जुगाड़ करा है। पापा बहुत जुगाड़ करते रहते हैं, तो शुभी के मतलब शूज में ना लेस बांध दी पीछे से, पापा की शूज की बची हुई थी ना वो, तो पीछे इसमें ना ऐसे दिया हुआ था ये वाला हिस्सा दिख रहा, तो उसमें लेस बांध करके पूरा अच्छे से बांध दिया। अब नहीं खुलेगी बार बार। वरना क्या हो रहा था कि शुभी दौड़ रही थी ना तो बार बार इसके शूज़ उतर जा रहे थे, तो शुभी के नाना जी ने नया जुगाड़ कर दिया है। तो अब अच्छा हो रहा है कि अब वो कितना ही दौड़ ले कुछ कर ले, अब नहीं उतर रहे हैं उसके शूज। बाय, पहले बाय बोल। बाय बाय शुभ, बाय। पहले बाय बोलो शुभ। बाय 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 शुभ। ये दौड़ लगा दी शुभी ने। तो अभी पता है टाइम कितना हो गया? 6:30 बज गया। 6:30 बजे गाड़ी आ गई है। अब गाड़ी से सामान उतार रहे हैं। शुभी ए शुभू, ए शुभू, शुभी ए शुभू। शुभू आजकल शैतान बच्ची बन रही है ना। शैतान बच्ची बन रही है ना आजकल। बाय, कल मिलेंगे बोलो। हाथ से बोलो बाय। बाय 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 बाय। हाथ से भी बाय करो ना। हाथ से बाय, हाथ से कैसे बाय करो? बाय बाय हाथ से कर दो ना। हाथ से कैसे करते हैं? हाथ से भी बाय बाय। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग को। ओके बाय 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 बाय। जय जय बोलो सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को जय जय बोलो। नहीं नहीं मेरे चचिमा नहीं, मेरे चचिमा नहीं, चचिमा चचिमा।
चश्मा तोड़ती है हमारा।